थाना सिगरा में आज से करीब 3 रोज़ पहले 12 तारीख को रात्रि में एक बुजुर्ग व्यक्ति की लाठी और हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से मार के हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में थाना सिगरा में हत्या का मुकदमा पंजीकृत हुआ था 17 नामजद अभियुक्तों के खिलाफ। अब तक उसमें 8 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और उनको जिला कारागार भेजा जा चुका है। आज प्रातः तड़के जो हमारी क्राइम ब्रांच की और सिगरा पुलिस की संयुक्त टीम अभियुक्तों को ट्रैक कर रही थी और अचानक DRM ऑफिस के पीछे के इलाके में 2 बदमाश के साथ पुलिस का एंगेजमेंट होता है और पुलिस ने उन्हें सरेंडर करने के लिए चैलेंज किया, लेकिन बदमाशों ने रिटेलिएटरी फायर किया, जिसको दृष्टिगत रखते हुए पुलिस पार्टी के द्वारा भी सेल्फ डिफेंस में फायर किया गया, जिसमें उन दोनों बदमाशों को वो घायल हुए हैं। उनके समुचित इलाज के लिए उन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेज दिया गया है। उनकी पहचान राहुल और पवन के नाम से हुई है। बाकी जो विधिक कार्रवाइयाँ हैं, जैसे कि मौके का सीन ऑफ क्राइम को प्रोटेक्ट करना, फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाना, ये सारी कार्रवाइयाँ मौके पर इस वक्त चल रही हैं। तीनों कहाँ रहने वाले हैं, क्या नाम है? देखिए, मैंने पहले ही उनके नाम बता दिए हैं आपको, और ये दोनों के दोनों थाना सिगरा के जयप्रकाश नगर कॉलोनी के आसपास के ही रहने वाले हैं। और इसमें ये भी देखा जा रहा है कि जो अन्य अभियुक्त हैं उनकी भी शीघ्र, उनके खिलाफ भी शीघ्र गिरफ्तारी की कार्रवाई या अन्य कड़ी कार्रवाई पुलिस टीम के द्वारा शासन और DGP साहब की मंशा के अनुरूप कराया जा रहा है।